In this pedigree, what can you observe from, or what can you conclude from this pedigree डायग्राम? यस सबको पता है ना पेडिग्री डायग्राम क्या होता है? यस स्टूडेंट्स, सो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि पेडिग्री डायग्राम में हो क्या रहा है? यस या सो एक मिनट है, मैं आपको बता देता हूँ. सो स्क्वायर मीन्स मेल, सर्कल मीन्स फीमेल, ठीक है? ओके, स्क्वायर मीन्स मेल, ओके, डिनोटेड बाय ये स्क्वायर, ठीक है? फीमेल इज डिनोटेड बाय सर्कल, ठीक है? और भी रहते, ठीक है? एंड वाइट रहेगा तो मतलब नॉन इट इज हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है? और अगर डार्क कलर्ड रहेगा, डार्क रहेगा मतलब ब्लैक रहेगा पूरा, या कलर्ड रहेगा सो इट इज इन्फेक्टेड, ठीक है, या डिजीज बोल सकते हैं, ओके? और अगर इसमें फॉर एग्जांपल इधर मैं आ जाता हूँ, और इधर ऐसे अगर ऐसा डायग्राम रहता एंड ऐसा रहता, सो दिस मीन्स ये अभी नहीं है, ठीक है? मतलब द इंडिविजुअल इज नॉट करेंटली या ही और शी इज डेड, ठीक है? तो ये केस में क्या है, फीमेल है और उसका डेथ हो चुका है, ठीक है? तो इधर ये केस में क्या दिखा रखा है, देर आर फोर जनरेशन, ठीक है? फोर जनरेशन दिखा रखा है, ठीक है? मेल इज हेल्दी, ओके, फीमेल इज डिजीज्ड. अभी अगर आप पैटर्न देखोगे, क्योंकि जो पेडिग्री एनालिसिस रहता है, डैट हैज टू बी यू नो काफी ज्यादा सर्वे करना पड़ता है फैमिली का, एंड उसमें पता लग जाता है कि डिजीज किधर से पास ऑन हो रहा है, ठीक है? मुझे पेडिग्री एनालिसिस दिखाने का क्या जरूरत है? इफ यू ऑब्जर्व हेयर, तो जो पेडिग्री एनालिसिस है मतलब पेडिग्री एनालिसिस से पता चल रहा है कि जो फीमेल है डैट वॉज कैरिंग सम काइंड ऑफ म्यूटेंट एलील, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे तो ये फीमेल से ओके, अगर आप देखोगे इधर जो डिजीज फीमेल है, इट इज पासिंग ऑन टू ऑल किड्स, ठीक है? चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, तो उनका जो अफेक्टेड अलील है, इट इज बीइंग पास्ड ऑन, इट इज बीइंग पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? सबको जा रहा है. तो ये एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ठीक है, या ऑटोजोम है, तो इससे आगे पता चलेगा. तो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. गला जा रहा है. नेक्स्ट क्या है इधर? ये ओके, नेक्स्ट में क्या है इधर? जो अफेक्टेड मेल है इधर, इसने जो मैरिज किया, ठीक है, एंड नॉर्मल हेल्दी फीमेल के साथ, तो अगर आप देखोगे इधर पैटर्न देखोगे तो इट इज बीइंग पास्ड, जो जीन है वो पास ऑन नहीं हो रहा, ठीक है? सारे के सारे इंडिविजुअल्स आर हेल्दी, ठीक है? अभी अगर आप दूसरा देखोगे, ये वाले ने अभी शादी नहीं हुआ, ठीक है? और इसका देखोगे तो ये फीमेल जो है उसने शादी की है, ठीक है, मेल के साथ, ऑब्वियसली हेल्दी मेल के साथ की है, ठीक है? तो जितने भी उसके ये है, क्या बोलते हैं आपके, जितने भी आप इधर उसके बच्चे हैं, प्रोजेनी है, दे आर बीइंग इन्फेक्टेड एक्सेप्ट फॉर दिस. ये कुछ वियर्ड रीजन है, क्यों है वो देखते हैं, ठीक है? और इसने फिर हेल्दी फीमेल के साथ शादी किया तो इधर पास ऑन नहीं हो रहा, बट ये फीमेल है जो इन्फेक्टेड है, तो जब भी उसने शादी किया तो इट इज बीइंग पास्ड ऑन टू 2/3, ठीक है? तो ज्यादातर आप अगर देखोगे तो इट इज बीइंग बेसिकली ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर डिजीज रहता है, सो क्योंकि क्या हो रहा है, फीमेल यूनिलैटरल ट्रांसफर हो रहा है ना,
यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो फीमेल्स आर प्रोवाइडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगर जो इधर इन्फेक्टेड फीमेल है तो वो सारे प्रोजेनीज में माइटोकॉन्ड्रिया जा रहा है, ठीक है। एंड फिर जैसे इधर है तो इसमें भी जा रहा है, बट इसमें कोई कुछ कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? देयर माइट बी सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इवेंट, ठीक है, या रिकॉम्बिनेशन इवेंट के वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे होमोप्लाज्मी हेट्रोप्लाज्मी रहता है, ठीक है। म्यूटेशन इवेंट की वजह से चेंजेस आए हैं, दैट्स व्हाई इधर एंड इधर आपको चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब द फीमेल इज अनएफेक्टेड इवन दो डिजीज प्लाज्मा डिजीज सॉरी डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो एक बार एक पढ़ सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा म्यूटेशन है, कैसा म्यूटेशन है, यू कैन लर्न अबाउट दैट। सो होपफुली आया समझ में आपको। सो बिकॉज अब एक्चुअली हम लोग अभी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो वो इजी था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही रहेगा, बट व्हेन देर इज अ अननोन, मतलब आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री अभी अननोन है, मतलब आपके सामने एक अननोन बंदा आता है, तो आप उसमें एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, ठीक है, या ऑटोसोमल है या माइटोकॉन्ड्रियल मतलब पास ऑन हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेक्शन करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हायर लेवल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है, ठीक है। एक मिनट, हम लोग नीचे जाते हैं। ओके सो एक वर्ड दिख रहा है तुम लोगों को इधर कॉर्नर पे, इधर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? यस यस, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? नो सर, यस सर, सुना होगा ना, फर्स्ट ईयर में सुना रहेगा, फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट था। हाँ सर, नहीं, हाँ, आई एम नॉट गेटिंग इट। सो फर्स्ट ईयर का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग ने FYBSC में हम लोग पढ़ाते। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी मतलब क्या बोलते हैं? यस, कोई बता सकता है? यस, एनीवन? ओके, सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज अबाउट हाउ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वाज एक्वायर्ड बाय मॉडर्न यूकेरियोट्स। ओके, मॉडर्न यूकेरियोट्स ने कैसे उसको कहाँ से मिला, माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक ओरिजिन किधर है, क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन किधर है, ठीक है। अगर जैसे मैं प्लांट्स के बारे में देखता हूँ तो प्लांट्स में दोनों है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है एंड क्लोरोप्लास्ट भी है। सो किधर से मिला है, एक किधर से इवोल्यूशन किधर से आया? ऑब्वियसली जब हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, सो एक्चुअली जो मॉडर्न यूकेरियोट है दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, मॉडर्न यूकेरियोट इज एरोबिक इन नेचर, राइट, है ना, एरोबिक इन नेचर। तो जो प्रिमिटिव यूकेरियोट था, या यू बैक्टीरिया भी बोल सकता हूँ मैं, सो इट इनगल्फ्ड अनदर बैक्टीरिया विच वॉज एरोबिकली रेस्पायरिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो एंशियंट मैं बोल सकता हूँ यूकेरियोट, इट इनगल्फ्ड इनगल्फ्ड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसने इनगल्फ कर लिया, ठीक है। एंड दिस हैड ATP, मतलब सब ये सब उसके पास अवेलेबल था, उसके पास सारे एंजाइम्स अवेलेबल थे, उसका खुद का DNA था, ठीक है। सो आफ्टर इनगल्फिंग इसके पास क्या हो गया? देखो एनारोबिक, अगर हम लोग देखते हैं ना एनारोबिक बैक्टीरिया, शीश, एनारोबिक बैक्टीरिया देखते, तो एनारोबिक बैक्टीरिया कितना ATP सिंथेसाइज करता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल?
यस, फर्मेंटेशन या एनारोबिक कितना, टू, करेक्ट, टू, हाँ सो टू, 2 ATP, ओके। एंड अभी इसने माइटोकॉन्ड्रिया एक्वायर कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया, ठीक है। इसके पास खुद का DNA है, खुद का tRNA है, खुद का mRNA ऑब्वियसली, हाँ, एंड खुद का राइबोसोम्स भी है, आई थिंक राइबोसोमल RNA भी है, जाने दो, ठीक है। तो जब इसने एक्वायर कर लिया तो ऑब्वियसली एनारोबिक से एरोबिक में कन्वर्ट हो गया। एंड ठीक है, सो फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट वाज जनरेटिंग 2 ATP, बट नाउ विद एरोबिक रेस्पिरेशन इट वाज प्रोड्यूसिंग 32, ओके, 32 ATP, ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कैलकुलेशन, ठीक है। आपका आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2.5, ठीक है, 1 NADPH इज इक्वल टू 2.5 ATP, एंड 1 FADH आई थिंक 1.5, ओके ओके। सो ये मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से। एंड सो हाउ मेनी टाइम्स इट इज मोर, लाइक 16 टाइम्स, राइट? तो एक ही ग्लूकोज से उसको 16 टाइम्स ज्यादा ATP जनरेट करके मिल रहा था। बस खाली उसने क्या किया, एक्वायर कर लिया एक अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया, एरोबिक रेस्पायर करने वाला, ठीक है। इसके पास एबिलिटी आ गई, और इसने ये इसको इनगल्फ किया बट इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको इनगल्फ किया बट इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उस एक्चुअली उल्टा एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग कवरिंग आ गया उसको, ठीक है। एक्चुअली डबल रहता है, ठीक है। तो बट इनगल्फ इनगल्फ किया तो उसको एक कवरिंग एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, उसको प्रोटेक्शन मिल गया। लाइकवाइज जब यही ऑर्गेनिज्म आगे जाके इसने साइनोबैक्टीरिया, एंशियंट साइनोबैक्टीरिया को एक्वायर किया, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पास पहले से माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। इसने साइनोबैक्टीरिया को एक्वायर किया, साइनोबैक्टीरिया को एक्वायर किया तो ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को एक्वायर किया तो इट फॉर्म मॉडर्न प्लांट्स, मतलब प्रिमिटिव प्लांट्स, ठीक है। तो इसके पास फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी भी आ गई, ओके, फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी भी आ गई। ठीक है, आपको तो ये क्या है, एंडोसिम्बायोटिक, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि जो मॉडर्न यूकेरियोट है, इट एक्वायर्ड दिस स्मॉल बैक्टीरियास, एंडो अंदर ले लिया, इनगल्फ कर लिया, एंड उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। एंड देन इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हायर नंबर ऑफ ATPs। इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि आफ्टर सिंग जो ये ऑब्वियसली दीज वर सिंगल सेल, ठीक है, क्योंकि हायर नंबर ऑफ ATPs जनरेट करके मिल रहा था। तो जो यूकेरियोट के पास कैपेबिलिटी आ गई कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल लेयर्स और टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, एंड अ फुल ग्रोन ह्यूमन बोल सकता हूँ या एनिमल्स बोल सकता हूँ, ठीक है, मॉडर्न एनिमल्स, ओके। तो क्योंकि ATP ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए आपका एनिमल आपको मतलब एक फुल ग्रोन एनिमल मिल सकता है। अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल इफ यू रिमूव ऑल माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम एनिमल, ये ऑब्वियसली इसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन पे वो 2 ATP जनरेट करके मिल रहा है, एंड इट इज नॉट 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 इनफ फॉर इवन सर्वाइव है। तो सर्वाइव करने के लिए भी उतना ATP नहीं चाहता, ठीक है, ठीक है। सो इट ऑब्वियसली अवर बॉडी रिक्वेस्ट 32 ATP, ओके, समझाइए वो ऊपर से गया। यस yes. ऊपर
ऊपर से जा रहा है तो बता दो। ओके सेम वही चीज दे रखी, ठीक है। अभी इसका हम लोग आगे चलते प्रूफ के बारे में, कि हम लोगों ने तो ये प्रपोज कर लिया है कि एंडोसिम्बायटिक थ्योरी है, ठीक है, वेयर इज द प्रूफ, तो उसके बारे में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने बताया था ये, ठीक है, ओके। तो इवोल्यूशन के बाद ऑब्वियसली प्रेजेंट डे एनिमल सेल हो गया, और फिर आपका साइनोबैक्टीरिया अंदर गया, एंड देन इट बिकम प्रेजेंट डे प्लांट्स, ठीक है। सो ये करीबन करीबन जो प्रोसेस था, इट वाज अराउंड 1 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, बोलोगे 1 बिलियन ईयर्स एगो कितना हो गया, 100 करोड़ ईयर्स हो गए, ठीक है, 100 करोड़ और 150 करोड़, ठीक है, 150, 1.5 बिलियन बोले ना, ठीक है। अभी जो इफ यू आप अगर आपका अर्थ का देखोगे, अर्थ कभी फॉर्म हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये सो बेसिकली यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 4.5 बिलियन ऑफ इवोल्यूशन, और उसमें भी आप अगर बोलोगे यूकेरियोट्स का, इट इज 1.5 बिलियन, मतलब 1.5 बिलियन ईयर्स लगे फॉर यूकेरियोट टू इवॉल्व, ठीक है, नहीं तो वो पहले ऐसे ही एनारोबिक यूकेरियोटिक सेल दिया था, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं प्रूफ के बारे में। ओके, सो ऑब्वियसली जब मैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं उसमें, एटीपी सिंथेज भी एक कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। अभी एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं, प्रूफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या बताया, मैनी मॉडर्न सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स जैसे प्रोटिस्ट हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, होस्ट मतलब बैक्टीरिया को एंडोसिम्बाय मतलब अंदर लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, बट वो उसको मारते नहीं है, ठीक है, और वो एंडोसिम्बायटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, एज एन सिम्बायटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, और क्योंकि वो अंदर गया इसलिए उसको बोला गया एंडोसिम्बायटिक थे, ठीक है, एंडोसिम्बायटिक, ओके, ठीक है। सो एक प्रूफ ये हुआ कि अभी भी देखा गया कि प्रोटिस्ट कुछ बैक्टीरिया को अंदर लेते हैं एंड वो सिम्बायटिक रिलेशनशिप में रहता है, तो ये फर्स्ट प्रूफ हुआ, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक 1 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, उसके बाद कोई कर नहीं रहा, अभी भी हो रहा है, ठीक है, हो सकता है 1 बिलियन ईयर्स के बाद ये पता नहीं क्या बन जाए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर इन साइज, ठीक है, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का अगर आप साइज उठा के देखोगे, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, यू कैरियोट नहीं हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का अगर आप साइज साइज मेजर करोगे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया का साइज उतना ही रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली यूकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल इज मच मोर लार्ज, ठीक है, मतलब काफी बड़ा रहता है, और उसके कंपैरिजन में बैक्टीरिया इज स्मॉल, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें आप देखोगे तो जीनोमिक डीएनए इज सेपरेट, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का खुद का अपना डीएनए, दैट इज सेपरेट, ओके। सो ये तो ये क्या हुआ, ये सेकेंड प्रूफ हो गया कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका साइज हो गया, एंड उसके पास उनके पास खुद का डीएनए हो गया, ठीक है। थर्ड प्रूफ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अपने खुद उनके पास खुद का राइबोसोम है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है आगे चलते, और जो राइबोसोम है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया से, ठीक है। तो जो राइबोसोम है इधर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, सो अगर आप देखोगे ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये यूकैरियोट है, ओके, छोटा काफी छोटा हो गया, बड़ा होता है,
एन आपके ये, आपके ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बैक्टीरिया का छोटा बना देता। ओके, तो अगर आप इसका राइबोसोम उठा के देखोगे, इट इज 70S, राइट? हेलो, यस स्टूडेंट्स, इट इज 70S, करेक्ट? एम आई करेक्ट? सर यस। एंड यूकेरियोट का कितना है? एटी यस, 80S। ओके, सो कैन यू गेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का क्या रहेगा राइबोसोम? इट इज 70S, ठीक है, 70S। ओके, सो बेसिकली इससे ये वन ऑफ द मेजर प्रूफ है कि जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट है वो किधर से ओरिजिनेट हुए। दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड नॉट फ्रॉम यूकेरियोट्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी हम लोगों ने इधर देखा ना, राइट? इधर देखा हम लोगों ने कि ये राइबोसोम है 70S है, राइट, एंड ये 80S है। ऑब्वियसली आप रिसिन तो खाने नहीं वाले, जिसकी वजह से आप 80S पे इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। थिंग इज कि जो 80S, जो भी जैसे पॉइजन्स होते हैं जो 80S पे वर्क करते हैं, जैसे रिसिन हो गया, ठीक है। सो रिसिन वर्क्स ऑन 80S, एंड उसका खाली आई थिंक 1 मिलीग्राम या उससे भी कम का डोज अगर जाता है, 1 मिलीग्राम बोल रहा हूँ मैं, 1 मिलीग्राम या 1 नैनोग्राम पे भी जाता है, सो जो ह्यूमन का डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं बहुत कम अमाउंट की बात कर रहा हूँ। सो वो इधर अटैक करता है, राइबोसोम पे अटैक करता है। ओके, बट वो जो उसका इफेक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट पे नहीं दिखता। लाइकवाइज अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हो, तो एंटीबायोटिक भी क्या, एक टाइप का केमिकल है जो 70S पे इफेक्ट करता है, ज्यादातर राइबोसोम के फंक्शंस पे अटैक करता है, तो जैसे हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ओके, सो ये क्या करता है, ये इधर अटैक करता है, राइबोसोम के फंक्शनिंग पे अटैक करता है, एंड वो उसको परमानेंटली डिसेबल कर देता है। तो जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हो तो आप देखो कि जब आप मतलब ऑब्वियसली एंटीबायोटिक खा रहे हो तो ये 70S को कर रहा है, बट उसका इफेक्ट आपके माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके पास क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको इफेक्ट गिरता है। इसके वजह से जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्या होता है ये आपको काफी वीकनेस आता है। तो वीकनेस इज नथिंग बट आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक। आपने एंटीबायोटिक खाया तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के 70S को भी डिसेबल कर रहा है, ठीक है। ओके, समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है? यस स्टूडेंट्स, हेलो, प्लीज रिपीट दिस वन कि माइटोकॉन्ड्रियल और एंटीबायोटिक वाला पार्ट. ओके, वापस समझो, एक हाँ मिनट हाँ रुक। प्लीज ओके, और एंटीबायोटिक. हाँ, सो मैं वापस बता देता हूँ। एंटीबायोटिक में क्या हो रहा है, आपका जो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स रहते हैं, आप एक बार सारे एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन पढ़ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव सेल के सेल वॉल को इफेक्ट करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक जब आप खाते फॉर जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो आप उस जब एंटीबायोटिक खाते तो वो क्या होता है, 70S पे इफेक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया के 70S पे इफेक्ट करता है, इट डज नॉट इफेक्ट 80S। ओके, एंटीबायोटिक्स, इससे क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया सारे मारे जाते हैं। ऑब्वियसली जब 70S पे इफेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटीन सिंथेसिस उसकी इनिबिट हो रही है, ठीक है, बट वही एंटीबायोटिक इज ऑल्सो इफेक्टिंग योर माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो, ठीक है। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काफी ज्यादा, जस्ट अ सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया का के फंक्शनिंग में इफेक्ट आता, ठीक है, एंड देयरफॉर यू फील वीकनेस।
आपका एटीपी सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाता है एंड प्रोटीन फंक्शनिंग भी माइटोकॉन्ड्रिया का रिड्यूस हो जाता है. ओके यस. ओके सो बेसिकली तो ये एंटीबायोटिक जब भी खाते हैं तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को भी अफेक्ट करता है. ठीक है. ठीक है. बट इट डज नॉट इफेक्ट एटीएस, आपका नॉर्मल सेल फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. इसको इफेक्ट नहीं करेगा एंटीबायोटिक जितना भी खा. हाँ यस यस. एटीएस को वो इफेक्ट क्यों नहीं करता है, और वो क्लोरोप्लास्ट के पास क्यों नहीं जा रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इफेक्ट क्यों करता है एंटीबायोटिक? हाँ सो क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली ह्यूमन में क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं. यस है ना. सो फर्स्ट फर्स्ट एक एक पार्ट हो गया. इफ यू गो फॉर प्लांट्स तो ऑब्वियसली उस पे इफेक्ट जाएगा. ओके. सेकेंड जो है आपका एटीएस इज बिट स्ट्रक्चरली डिफरेंट. सो हो सकता है उसमें एंटीबायोटिक शायद असर ना करता हो. ठीक है. इट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट. उसमें शायद जो एक पर्टिकुलर साइट्स रहते हैं है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किससे होता है, खाली वो साइट चेंज चेंज कर देता है. जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म्स रहते हैं. वन ऑफ इट इज जिधर वो एंटीबायोटिक जिधर जाके 70S को बाइंड करना रहता है उधर वो बाइंड नहीं कर पाता है क्योंकि बिकॉज देर इज सम चेंजेस इन स्ट्रक्चर. ठीक है. 70S के थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा जिसके वजह से खाली जैसे एक साइड चेन एक्स्ट्रा लग गया तो फिर वो आपका एंटीबायोटिक विल नॉट बी एबल टू बाइंड. सिंपल है. तो 80S एंड 70S का स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट. मतलब इतना भी वास्टली डिफरेंट नहीं है बट इट इज डिफरेंट. ठीक है. थोड़ा 80S बड़ा है काफी इन कंपैरिजन टू 70S. तो स्ट्रक्चरली इट इज डिफरेंट. तो शायद उसका बाइंडिंग साइट ना हो. ठीक है. एंटीबायोटिक. आप बाहर है क्या? मेरे को बैकग्राउंड नॉइस काफी ज्यादा सुनाई दे रहा नहीं सर, घर पर ही। है. ओके ओके. नेक्स्ट है. अभी तो हम लोग ने कितने देख लिए, तीन चार देख लिए करीबन. ओके. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस के बारे में बात करते हैं. तो इधर आते हैं हम लोग राइबोसोमल आरएनए के बारे में. तो जैसे मैंने बताया 70S है. तो अगर आप 70S में देखोगे इट इज लाइक वो फर्दर डिवाइड होता है 50 30 है ना. है कि नहीं. एंड फिर 30 में 16S रहता है राइट. इसके हम लोग एक्सप्लोइट करते हैं 16S आरआरएनए को फॉर सीक्वेंसिंग. ठीक है. आप उसमें स्पीशिएशन कर सकते हैं या आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाल सकते हो. ठीक है. 80S में आप ऑब्वियसली 16S आर नहीं कर सकते. उसमें 18S आरआरएनए सीक्वेंसिंग यूज होता है. ठीक है. 18S आरआरएनए रहता है. ओके. अगर आप माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो ऑब्वियसली ये 70S सिमिलर है. इनके पास भी 16S आरआरएनए है. ठीक है. तो ये आपका ये मेजर फैक्टर हो जाता है कि ये अगर 16S आरआरएनए है ऑब्वियसली दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया. ठीक है. और इनका क्या किया है, इनका सीक्वेंसिंग किया है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है या 16S आरएनए है तो उसका सीक्वेंसिंग किया और उसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस निकाला. तो उनको क्या पता चला देखते हैं. ठीक है. तो उनका सीक्वेंस पता चला कि इट इज नॉट रिलेटेड टू यूकेरियोट्स. कहीं भी दूर दूर से वास्ता नहीं है. ठीक है. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू जीन्स ऑफ यू बैक्टीरिया एंड उसमें भी अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया से रिलेटेड है. ठीक है. तो ये जो इनके जीन्स है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के ये ज्यादातर इनके सीक्वेंसेस काफी ज्यादा सिमिलर है टू बैक्टीरिया. ठीक है. बैक्टीरिया. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है आपका इट इज मोर सिमिलर टू अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया. ठीक है. ओके. सो ये बैक्टीरिया को बिलोंग करता है. अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया को उनके सीक्वेंसेस काफी ज्यादा मैच करते हैं. और अगर आप क्लोरोप्लास्ट का डीएनए देखोगे तो वो आपका उसका मैच होता है टू साइनो बैक्टीरिया.
ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ऑब्वियसली उसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोले जाता है। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया का प्रिमिटिव फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि 1.5 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं 5-6 साल पहले की बात नहीं कर रहे, 1.5 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे। तो ये प्रिमिटिव साइनोबैक्टीरिया का, प्रिमिटिव साइनोबैक्टीरिया, उसका मैच हो रहा है विद क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, ओके। सो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है, क्योंकि हम लोग इधर मैच करके देख रहे हैं, सीक्वेंसेस मैच करके देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा सीक्वेंसेस सिमिलर है। ठीक है, नॉट सेम, कभी भी सेम नहीं बोलूंगा, और इट इज ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जितने भी एविडेंसेस है उससे पता चलता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या दे आर, और ओरिजिन क्या, यू बैक्टीरियल ओरिजिन है, ये बैक्टीरियल ओरिजिन बोल सकता है, ट्रू बैक्टीरिया बोल रहा, यू मतलब ट्रू। ठीक है, यू, ओके। और दे आर क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरिया देन इन कंपैरिजन टू यूकेरियोट्स, सो यूकेरियोट्स से कोई वास्ता नहीं है उनका। ठीक है, बट यूकेरियोट्स ने कैसे चालाकी करके अंदर ले लिया, ठीक है, इनगल्फ कर लिया एंड खुद डोमिनेटिंग एनिमल बन गया। ओके, 1.5 बिलियन ईयर्स। ओके, चले आगे कि कुछ पूछना है आपको, किसको पूछना है, एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, क्वेश्चंस? नो सर, पक्का समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली एक सेल के अंदर कितना माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, करीबन इधर दे रखा हुआ है, तो 5,000 से 10,000 कॉपीज रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, ओके। जैसे रैट लीवर दिखाया, तो एक सेल के अंदर 1,000 माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एक सेल के अंदर 1,000 माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, और ये जो 1,000 माइटोकॉन्ड्रिया है, इट पोजेस 5 to 10 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब सेपरेट ये रहेगा। जैसे मैं इधर दिखा देता हूँ वापस, व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। ओके, सो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इसमें हो सकता है कि आपका डीएनए के ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो गया, तो 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, अभी 5 या 10 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट ये हम लोग रैट लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वैसे ये अगर हम लोग देखा जाए तो ये 1,000 हो गया। ठीक है, 1,000 माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रहते हैं, तो मतलब कितना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहेगा, 1,000 × 5 करेंगे तो 5,000 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या अगर 10 रहेगा तो 10,000 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन अ सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल के, एक ही सेल के अंदर 5,000 से 10,000 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो सकता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अगर हम लोग इधर देखो, जैसे इनिशियली अगर देखा जाए, ज्यादातर एनिमल्स या फंगाई में, एंड फंगाई में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता, जीनोम रहता है, वो एक ही रहता है, सिंगल रहता है, हाईली कॉइल्ड रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि डीएनए काफी बड़ा रहता है, तो उसको कॉइलिंग करने का जरूरत पड़ जाता है। ओके, सर्कुलर रहता है, सर्कुलर मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड है। अभी ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सर्कुलर डीएनए आपका नॉर्मल यूकेरियोट्स में पाया नहीं जाता। ठीक है, आप अगर ह्यूमन का देखो तो हमारा जो डीएनए, इट इज लीनियर फॉर्म, मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है। इधर जो है, इट इज सर्कुलर डीएनए, और सर्कुलर डीएनए में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है। सो दिस इज वेरी मच अ इंडिकेशन ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। ठीक है, सर्कुलर डीएनए। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, और प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रियल, इसमें क्या बोले, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उसमें मल्टीपल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अभी क्यों होते, कैसे होते हैं मल्टीपल, एक हो सकता है कि इन इवोल्यूशन हो सकता है, जैसे इधर मैं आ गया वापस व्हाइट बोर्ड में,
इधर क्या होता है कि जो माइटो जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें एक्सेशन हो सकता है और दे कैन सेपरेट इट सेपरेट आउट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, मल्टीपल जीनोम, मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज नहीं बोलेंगे, मल्टीपल जीनोम्स जनरेट हो सकता है। एक ही अगर जैसे स्टार्टिंग में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है, सो वो एक्सेशन के वजह से निकल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको जीनोम मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। सो हम लोगों ने देखा एनिमल्स एंड फंगाई में आपका एक ही माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है और वो हाईली कॉइल्ड है, सिंगल है, सर्कुलर है, ठीक है। कुछ कुछ स्पीशीज में सिंगल हो सकता है, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, या कुछ में जैसे रैट लीवर में देखा था उसमें बहुत सारे कॉपीज भी रह सकते हैं, ठीक है। ओके तो इधर दे रखा है, ईच माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, तो बहुत सारे जीनोम भी हो सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज हो सकते हैं, और कैसे जनरेट हुआ वो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो एक ही अगर एक ही बड़ा रहेगा जीनोम रहेगा तो वो एक्सेशन की वजह से निकल गया, ठीक है। ओके तो माइटोकॉन्ड्रियल अगर हम लोग डीएनए देखें तो इट कंसिडर और अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल सेलुलर डीएनए, तो एक 1% ही कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग टोटल जीनोम देखें, ठीक है, और उसका सीक्वेंस करके देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम विल बी अप्रोक्सीमेटली 1%, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब अभी इधर इधर आते हैं, यू बैक्टीरियल यू क्रोमोसोम, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल लैक्स हिस्टोन्स। ऑब्वियसली हमने बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया किधर से आया, मतलब किधर से ओरिजिनेट हुआ, बैक्टीरिया से, ठीक। बट अभी तक इतना साल, इतना बिलियन बिलियन ऑफ इयर्स हो गए, ठीक है, बिलियन ये बिलियन इयर्स, 1 बिलियन हो गया, ठीक है। एंड अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया ने खुद का अभी हिस्टोन्स जनरेट नहीं किया, ठीक है, या उसको हिस्टोन्स आपका सेल प्रोवाइड नहीं करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना बेसिक प्रोटीन्स है एंड इट डजेंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो जीनोम है वो शेयर नहीं करता, ठीक है। ओके तो माइटोकॉन्ड्रिया के डजेंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स और वो आपका आई थिंक बेसिक प्रोटीन से काम चलाता है, ठीक है। सो अदर प्रोटीन्स इधर दे रखे हैं, वो बेसिक प्रोटीन्स ही होने चाहिए, ठीक है। हिस्टोन लाइक प्रॉपर्टीज होते हैं, हिस्टोन लाइक प्रॉपर्टीज मतलब ऑब्वियसली हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ओके हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, क्यों पॉजिटिवली चार्ज क्यों, कोई क्योंकि बता डीएनए सकता नेगेटिवली चार्ज है ना, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए रहता है, वो कॉइल भी करता है डीएनए को। है? हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट। सो बेसिकली जो डीएनए इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड अगर आपको सुपर कॉइलिंग करना है, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू न्यूट्रलाइज इट। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली आपका हिस्टोन्स आ जाता है, ठीक है। तो हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ज्यादातर हिस्टोन्स में 3 अमाइनो एसिड्स सबसे ज्यादा देखे गए एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। कौन से अमाइनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज? यस कोई बता सकता है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स? यस सो एच ए एल, एच ए एल ये याद रखो, एच ए एल, ठीक है, हिस्टिडिन आर्जिनिन लाइसिन, ये 3 पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये इनका जो कंटेंट रहेगा इन हिस्टोन या बेसिक प्रोटीन्स में ज्यादा रहेगा, देयरफॉर ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखना। एक मिनट हाँ, मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेता हूँ।
अच्छा इसमें ये भी बताया गया जीसी कंटेंट। ओके जीसी कंटेंट क्या होता है? सो ऑब्वियसली गोनिन एंड साइटोसिन कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इज सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। ये बहुत सारे पॉइंट्स जो अभी आ रहे, इट इज ऑल्सो इंडिकेशन कि जो माइटोकॉन्ड्रियल का ओरिजिन इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये इसका जीसी कंटेंट और जो जीनोम का जीसी कंटेंट काफी डिफरेंट रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए का इज डिफरेंट। ठीक है, और इसको इसलिए इसको फिर हम लोग आराम से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। ओके सो क्योंकि जीसी कंटेंट इज डिफरेंट, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नहीं 80,000 या 90,000 आरपीएम में आपको सेंट्रीफ्यूग करना पड़ेगा। ठीक है, टू ऑब्टेन दिस माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम अगर हम लोग साइज कंपेयर करें इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड ज़्यादातर जो रेंज रहता है साइज रहता है वो 1500 बेस पेयर से 65,000 बेस पेयर रह सकता है। ये 65 KBP बोल सकता है, 15 KBP टू 65 KBP। ओके ओके, अभी आपको प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम के बारे में पता रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, उसका जो हाँ उसका जो एक मिनट है, एक मिनट की तरह उसमें 6,000 बेस पेयर ही है। हाँ 6,000 बेस पेयर है। ठीक है, तो फैलसी पैरम में 6,000 बेस पेयर ही है। ठीक है, और अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में काफी बड़ा है। ठीक है, प्लांट्स में ज्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि डीएनए साइज इतना वेरी कर रहा है। ठीक है, डीएनए साइज इज वेरिंग फ्रॉम 1500 बेस पेयर, 15,000 बेस पेयर सॉरी, टू 65,000 बेस पेयर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली इट विल कंटेन मोर अमाउंट ऑफ जीन्स, राइट? आप बोलोगे कि बहुत सारे जीन्स रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, 3 to 4 जीन्स ज्यादा हो सकते। ठीक है, बट थिंग इज कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जितना ज्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा रहेगा उसमें हो सकता है कि इंट्रॉन्स काफी कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, और जो जो रीजन्स होते हैं आई थिंक इंटरजेनिक रीजन्स होते हैं, तो वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के सारे जीन्स विल फंक्शन, मतलब जितना भी डीएनए है इट विल डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी या वर्क, जितना भी जीन्स है वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जीन्स बंद होके बैठते। ओके, और जितना बड़ा, अगर जितना साइज लार्ज रहेगा उसमें फिर इंट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, इंटरजेनिक रीजन या नॉन कोडिंग रीजन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली वही आता है कि आपके एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ जीन्स रहेंगे। ठीक है, देखो इधर दे रखा है, द नंबर ऑफ जीन इज मोर कांस्टेंट देन जीनोम साइज, एंड ज्यादातर स्पीशीज के 40 to 50 जीन्स ही है। ठीक है जी, कितना भी वेरी करो 15 KBP टू 65 KBP, आपको खाली 40 से 50 जीन्स ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, छोटा भी होने दो और साइज बड़ा भी होने दो। ओके, तो इनके जो बेसिक फंक्शन, क्या जीन्स क्या क्या चीज इनकोड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेशन के लिए एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जितने भी प्रोटीन्स लगते हैं या इंजाइम्स लगते हैं वो इनकोड करते हैं। ऑब्वियसली आपका, क्योंकि ये किधर से मिला, ये बैक्टीरिया से मिला। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ओरिजिन है। तो रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्योंकि आपका होस्ट के जीनोम में नहीं मिलेगा। ओके सो ये जीन्स आपको इधर ही मिलते हैं और ये यही माइटोकॉन्ड्रिया ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अभी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन किसका, ये सारे जो ऑब्वियसली ये प्रोटीन्स बन रहे। ठीक है, ठीक है, तो इनको इनके लिए एक स्पेशल अपैरेटस होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन एक तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का एंड ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो इनके जो अपैरेटसेस है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बनाता है, ना कि
जीनोम का उठा के लेता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये खुद ही करता है, तो इसके सारे प्रोटीन्स भी खुद ही बनाता है, ठीक है, इंजाइम्स प्रोटीन्स हो गए। ओके, आरएनए प्रोसेसिंग के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ओके, एंड द इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू सेल, तो प्रोटीन्स को इम्पोर्ट करने के लिए भी ये कुछ पोर्टर्स बनाता है। पोर्टर आपको पता रहेगा, पोर्टर, पोर्टर्स के बारे में पता रहेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ओके, सो जितना ज्यादा, जैसे मैंने बताया, जितना ज्यादा मोस्ट वेरिएशन इन साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन नॉन कोडिंग रीजन, जितना ज्यादा बड़ा डीएनए रहेगा उतना ज्यादा नॉन कोडिंग रीजन्स हो सकते हैं, इंट्रॉन्स हो सकते हैं, हो सकते हैं इंटरजेनिक रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर आप इधर देखोगे, देर इज अ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम इन सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस हो गया, ठीक है, 27,000 बेस पेयर, करीबन 1 लाख बेस पेयर, 1 लाख बेस पेयर, 85,000 सैक्रोमाइसिस सर्विस हो गया। ड्रोसोफिला में 19,000 है, एक्चुअली इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ड्रोसोफिला है सैक्रोमाइसिस से, है ना, बट अगर तुम देखोगे 19,000 है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 1/5 साइज है, ठीक है। अर्थ वर्म देखोगे तो उससे भी छोटा है, ठीक है, फ्रॉग देखोगे तो 17,000, विच इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन फंगस, ठीक है। ओके, होमोसेपियंस देखोगे, ह्यूमन का देखोगे तो 16,000, तो क्या हो रहा है इसमें, देखो कितना ज्यादा डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ह्यूमंस में कितना कम है, ठीक है, एल्गे में कम है, प्लास्मोडियम में भी कम है, 6,000 के करीबन है, ठीक है। प्लांट में, अगर प्लांट का देखोगे, ये देखो प्लांट का देखो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 24 लाख, ठीक है, 24 लाख बेस पेयर, ओके, ये वाला, एंड एरोब्लास्ट्स का 1.6 लाख है, ठीक है। तो यू कैन सी कि ह्यूमंस में काफी काफी कम है इन कंपैरिजन टू फंगस हो गया या प्लांट्स हो गए, ठीक है, वेरी वेरी करता है, काफी ज्यादा वेरी करता है। ओके, होपफुली समझ में आया ये पार्ट। यस सर। बाकी लोग सो रहे पीछे, ओके, सो नेक्स्ट है जीन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इधर आ जाते हैं, 1 मिनट। ओके, सो इधर आया, बट इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाने वाले कि क्या ये क्या है वो क्या है, सारे जीन्स के बारे में नहीं जाने वाले, बस ओवरव्यू देखने वाले, ठीक है। सो डोंट बी, डोंट पैनिक, इतना हम लोग डीप डाइविंग नहीं करने वाले, ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो इसमें क्या बोला है, अभी हम लोग आगे जीन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन से जीन्स हैं एंड उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, ओवरव्यू है, ज्यादा एकदम डिटेल नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया, 900 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जनरेट हो सकते हैं करीबन करीबन, ठीक है, ये इंजाइम्स, तो वन जीन कैन प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। और कुछ जो प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियर डीएनए भी इनकोड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि आपका जो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डीएनए अलग इंडिपेंडेंट बैठा हुआ है, इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया टू विद विद इट्स एंजाइम और प्रोटीन्स,
और उसके मैं जैसे हम लोगों ने बोला एंडोसिम्बायोटिक है, तो सिम्बायोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर डीएनए है, इट इज सपोर्टिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बाय एंजाइम्स, यूज ऑफ सम एंजाइम्स और प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, सो इसमें तो ये क्या बोला कि जो ट्रांसलेशन के कुछ हो गया, ट्रांसलेशन के कुछ प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, या ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स में होते हैं कुछ कुछ प्रोटीन्स, जो कुछ एमआरएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड इन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, ठीक है, ठीक है। एंड फिर उसको वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक इधर दिखा देता हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, एंड तो ये क्या होता है, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंड ये एमआरएनए इधर आ गया, बाहर आ गया, एंड इधर ऑब्वियसली आपके राइबोसोम्स है। तो इधर प्रोटीन जब बन जाएगा ना, ये प्रोटीन वापस इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया डजंट रिक्वायर एनी हेल्प, ऑब्वियसली इट रिक्वायर सम हेल्प, दैट्स वाई एंडोसिम्बायटिक बोला गया, एंडोसिम्बायसिस बोला गया, ओके। तो एमआरएनए कोई कोई कुछ एमआरएनए इट इज नॉट इनकोडेड बाय और ट्रांसलेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इनकोड सम प्रोटीन्स, कुछ ज्यादा प्रोटीन्स नहीं बनाता, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स बनाता है, कुछ आरआरएनए बनाता है, एंड कुछ टीआरएनए जनरेट करता है। एंड ये टीआरएनए काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, क्यों स्पेसिफिक है आगे जब हम लोग देखेंगे, एक्सेप्शंस इन जेनेटिक कोड में, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट, एक्सेप्शंस इन जेनेटिक कोड में उधर मॉडिफाइड टीआरएनए आ जाता है, एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही टीआरएनए रहता है, ओके ओके। अभी इधर मेन आ जाता है हम लोग एंसेस्ट्रल एंड डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं व्हाट इज एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज मॉडिफाइड मॉडिफाइड और डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स, तो सिंपल है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का सॉरी एंसेस्ट्रल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, या अगर मैं इसको लीनियर फॉर्म में बना देता हूँ बेटर रहेगा, ठीक है। ये अगर एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, तो अगर डिराइव्ड बोलूंगा तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया है डिराइव्ड, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया काफी बड़ा है एंड डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी शॉर्ट या स्मॉल। कुछ डिराइव किया गया मतलब इधर से डिराइव किया गया, ओरिजिनल से डिराइव किया गया, एंड देर इज सम मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन और क्यों मॉडिफिकेशन वो देखते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लांट्स का देखा था, प्लांट्स का क्या था, 24 लाख माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो क्या है? वो ज्यादातर एंशियंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। और डिराइव्ड में क्या हो रहा है, उसका ज्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसमें से इंट्रॉन्स ज्यादातर रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्पेस बच रहा है, ठीक है, सेम काम है बट इट इज वर्कड इन ऑब्वियसली इस स्मॉल स्पेस में हो गए, ठीक है, ओके। सो एकदम सिंपल समझाने के लिए एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एंड डिराइव माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में एकदम सिंपल में बताया मैंने, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल हो गया, डिराइव हो गया, ठीक है, और बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रियल फाउंड इन सम प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट या प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जीनोम कंटेन्स मोर जीन्स देन डू डिराइव्ड जीनोम्स। तो जो डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल है
उसके कंपैरिजन में एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा जीनोम है, ठीक है, या ज्यादा जीन्स है। ओके आगे क्या बोला, एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया में आरआरएनए भी है और ये यू बैक्टीरियल लाइक राइबोसोम्स भी जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट और ऑलमोस्ट कंप्लीट सेट ऑफ टीआरएनए, मतलब सारे के सारे टीआरएनए, लाइक कितने टीआरएनए होते हैं टोटल? यस, बेसिक कितने टीआरएनए होते हैं, कोई बता सकता है? सिक्सटी वन, ठीक है, 61 टाइप ऑफ टीआरएनए रहते हैं, ठीक है। एंड मॉडिफाइड टीआरएनए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक टीआरएनए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट सेट ऑफ टीआरएनए जनरेट कर रहा, तो मतलब 61 टाइप ऑफ टीआरएनए जनरेट कर रहा। दे पोसेस फ्यू इंट्रॉन्स, इसमें इंट्रॉन्स भी है और लिटिल नॉन कोडिंग डीएनए बिटवीन जीन्स, तो इनमें कम है नॉन कोडिंग जीन्स। एंड जनरली यूज यूनिवर्सल कोडोन्स, यूनिवर्सल कोडोन्स सबको पता है क्या होते हैं। एंड हैव जीन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर सिमिलर टू दोज ऑफ यू बैक्टीरिया, तो उनमें जो क्लस्टर्स में पाए गए, मतलब जैसे लैकोपेरोन का क्या था कि आपका जेड वाई ए जीन, वो एक वन ऑफ द क्लस्टर हो गया, फिर आपका लैक आई भी वो मिला के ओपेरॉन हो गया, मतलब वो एक टाइप के क्लस्टर हो गया, ठीक है। क्लस्टर में ये हम लोग देख लेते हैं, इधर अगर आप आ रहे हो तो इधर क्या देखो, ये एलेनिन है, एएसएन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, ये क्या हो गया, ये अमाइनो एसिड का क्लस्टर हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड के सारे जीन्स इधर आ गए, तो ये क्या हो गया, क्लस्टर हो गया, एस्पार्ट एस्पार्टिक एसिड, एस्पारेजिन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अमाइनो एसिड इधर एक ही जगह आ गए, एक ही जगह जीन से, तो ये क्या हो गया, क्लस्टर फॉर्म हो गए, ठीक है। ओके आगे चलते, तो इन समरी एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम रिटेन मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर यू बैक्टीरियल एंसेस्टर, तो जो यू बैक्टीरियल एंसेस्टर्स थे उनका ही ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स इधर आता है आपके, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था एंडोसिम्बायटिक थ्योरी में कि आपका जो आ, आ, जो यू बैक्टीरिया यू कैरियोट था उसने ये ऐसे बैक्टीरिया को अंदर ले लिया था, इंगल्फ कर लिया था, ऑब्वियसली ये जब बैक्टीरिया फुल्ली फंक्शनल थे तो ये खुद का अपना टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए खुद ही जनरेट कर रहे थे, इनके पास सारे टीआरएनएस होने चाहिए, है ना, सारे आरआरएनएस होने चाहिए। तो वैसे ही एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा बोल सकते हो करीबन करीबन रेप्लीकेट करता या रिटेन करता ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ओके अगर आप ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे, इधर काफी अच्छे से दिया दिखाया गया, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर एज इन एंड टू एंड कनेक्टेड, ठीक है। ओके सो आगे चलते हैं, व्हाट इज डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये स्मॉलर स्मॉल होते हैं एंसेस्टर से, एंड कुछ ही जीन्स रहते हैं, सारे जीन्स नहीं रहेंगे, ठीक है। देयर आर आर एन ए जीन्स एंड राइबोसोम डिफर फ्रॉम दोज इन यू बैक्टीरिया, तो कुछ आर आर एन ए और राइबोसोम थोड़ा सा डिफर करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है, उनके ओरिजिन से, मतलब। ओके द डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन डिराइव डिफर फ्रॉम टिपिकल यू बैक्टीरियल सीक्वेंस देन डू एंसेस्ट्रल जीनोम, तो इनके में जो डीएनए के सीक्वेंसेस है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। एंड कंटेन नॉन यूनिवर्सल कोडॉन्स, इनमें नॉन यूनिवर्सल कोडॉन्स भी होते हैं, व्हाट इज नॉन यूनिवर्सल कोडॉन्स, कोडॉन्स सबको पता है क्या होता है, नो क्या होता है कोडॉन्स? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो बेसिकली ट्रिपलेट, हाँ ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एंड इसमें नॉन यूनिवर्सल कोडॉन्स मतलब क्या हो गया, तो मतलब क्या यूनिवर्सली आपको उधर मिलेगा नहीं, कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है।
इट इज नॉट प्रेजेंट यूबिक्यूटसली. इनमें होता है क्या, देखते हैं आगे. द मोस्ट एनिमल एंड फंगल माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम फिट इनटू दिस कैटेगरी. तो ज्यादातर एनिमल्स एंड फंगल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसके अंडर आता है. ठीक है, ओके. एंड ये इनमें जो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है इनके, डिफरेंट है. अच्छा, इसमें हैवी एंड लाइट स्ट्रैंड्स के बारे में बताया गया. सो हैवी हैवी होता है, लाइट होता है. सो एक मिनट, किधर है भाई. द आउटर सर्कल रिप्रेजेंट हैवी स्ट्रैंड एंड इनर सर्कल रिप्रेजेंट लाइट स्ट्रैंड. तो व्हाट इज हैवी एंड लाइट, कोई बता सकता है? ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये हैवी हो गया और ये, सॉरी, ठीक है, ये लाइट हो गया. ओके, एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं बना. ओके, सो रेड इज हैवी व्हाइल ब्लू इज लाइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे पता चल रहा है हैवी है ये लाइट है? थोड़ा सा आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो. सो इसमें देखो, अगर साइज पे नहीं, ऑब्वियसली, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स का ही फर्क है ऑब्वियसली. ओके, आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैंड करके कुछ नहीं, साइज में फर्क नहीं. ओके, अगर आप इधर देखोगे, इधर इधर देखोगे, ठीक है ना, ये आपका ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसमें कहाँ है फर्क, थोड़ी है. और आप अगर देखोगे इसमें, देखो जबरदस्त, पूरा का पूरा, कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जो उसने खाली छोड़ा है, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि इंट्रॉन्स है ही नहीं, सारे के सारे एग्जॉन्स लग रहे हैं. ठीक है, एंड ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपका एक ये आउटर स्ट्रैंड भी ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होता है और इनर स्ट्रैंड भी ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होता है, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो आउटर स्ट्रैंड है उसमें ज्यादातर डीएनए ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होते हैं, और इनर स्ट्रैंड में अगर तुम लोग देखोगे तो जीन्स कम है एंड वो कम अमाउंट, मतलब उसका जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है इट इज लो, बट इट इज, तो इसमें ज्यादातर जीन्स आर प्रेजेंट इन आउटर स्ट्रैंड इन कंपैरिजन टू इनर स्ट्रैंड. ठीक है, तो एकदम सिंपल है. जब भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का वेट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, वेट के बारे में. ऑब्वियसली अगर तुम लोग देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसका कुछ ऐसा रहता है ना, ठीक है नहीं? तो सी हो गया, टी हो गया, यू हो गया, ऐसा रहता है, राइट? और अगर तुम लोग दूसरा प्यूरिन देखोगे तो उसमें एक एडिशनल इमिडाजोल रिंग भी आ जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो अभी आपको समझ गया रहेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो ये जो आउटर रीजन में ज्यादातर जी जी जी, ठीक है, ये ज्यादातर रिपीटेड रहते हैं. ठीक है, और इनर रीजन में ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट्री सी 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 रिपीटेड रहेगा. ठीक है, द आउटर रीजन कंसिस्ट मोर ऑफ जी न्यूक्लियोटाइड्स एंड इनर ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, समझा? समझ रहे हो? ऊपर से गया, वापस बताना है. हेलो, सर जस्ट नाउ व्हाट एवर यू एक्सप्लेन यू जस्ट एक्सप्लेन ऑन व्हाइट बोर्ड और ओरली यू एक्सप्लेन दिस ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट. सॉरी सॉरी सॉरी, इधर मैं आ जाता हूँ वापस.
मैं भूल ही गया था। ओके सो क्या होता है सी टी एन यू, अगर तुम लोग देखोगे तो ये इसका जो ये रहता है रिंग रहता है, ऑब्वियसली वन रिंग है ठीक है। और अगर आप प्यूरिन का देखोगे तो प्यूरिन में क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा इमिडाज़ोल ये रहता है, रिंग रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है वेट बढ़ जाता है ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड के वेट के बारे में बात कर रहे हैं इधर, जब हैवी और लाइट के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। तो आउटर रीजन्स में क्या रहता है, ज़्यादातर जी रहते हैं ठीक है, एंड इनर रीजन में क्या रहता है, ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो सी रहेगा। तो सी रहेगा तो क्या हो गया, ये लाइट हो गया अपने आप, एंड क्योंकि ये प्यूरिन है तो प्यूरिन में साइड चेन भी रहेगा, मतलब ये इमिडाज़ोल रिंग भी रहता है, उसकी वजह से क्या हो गया वेट हैवी हो गया ठीक है। सो अब समझा, तो ये क्या हो गया, ज्यादातर इधर जी 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 इधर जी ज्यादा है ना ठीक है, और अंदर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये जो ये क्या हो गया, ये लाइट हो गया और ये हैवी हो गया, समझा अभी कि ऊपर से गया। यस सर, बाकी लोग यस सर। ओके चलो एक काम करते हैं, ये लास्ट टॉपिक ले लेता हूँ मैं अभी, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड फिर यीस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ठीक है। ओके सो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये ऑब्वियसली सर्कुलर है, और जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि 16,000 अप्रोक्सीमेटली बेस पेयर का, किलो बेस पेयर का ठीक है। इनमें कितना है, 2 RRNA है, 2 RRNA इनकोड करता है, 22 tRNA इनकोड करता है, एंड 13 प्रोटीन्स ही इनकोड करता है, बाकी जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियर डीएनए कर सकता है ठीक है। द टू न्यूक्लियोटाइड स्टैंड ऑफ द मॉलिक्यूल डिफर इन देयर बेस कंपोजिशन हैवी एंड लाइट है ना। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने बताया ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है हैवी में, और लाइट में ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है ठीक है। ओके अभी हैवी स्टैंड का क्या है, देखो हेवी स्ट्रैंड का देख लेते हैं अभी। हेवी स्ट्रैंड इज अ टेम्पलेट फॉर आरआरएनए, 14 ऑफ द 22 tRNA हेवी स्ट्रैंड इनकोड करता है, और 13 प्रोटीन्स में से 12 प्रोटीन्स हेवी स्ट्रैंड करता है ठीक है। और लाइट स्ट्रैंड ऑब्वियसली बाकी के बच्चों बच्चों कुछ हैं, 8 tRNA एंड 1 प्रोटीन को इनकोड करता है ठीक है। अभी ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये खुद अपने आप ऑटोनोमसली रेप्लिकेट भी होता है, तो जब ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होता है तो उसके एक पर्टिकुलर ओराई भी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर एच स्ट्रैंड इज विद इन अ रीजन नोन एज डी लूप, डी लूप ये डी लूप दिख रहा है इधर ओके ऐसे दिख रहा है मेरे को, हो सकता है ये हो ओके चलो आगे जानते हैं। डी लूप इसमें 21.7 में दिखा रखा है, एक मिनट ओके आगे चलते हैं। ओके डी लूप विच आल्सो कंटेन प्रोमोटर फॉर बोथ एच एंड एल स्ट्रैंड, तो डी लूप में क्या है दोनों के लिए प्रोमोटर्स है, हैवी के लिए भी है लाइट स्ट्रैंड के लिए भी है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज हाईली इकोनॉमिकल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है कम जगह में ज्यादा से ज्यादा काम ठीक है, इतना कम स्पेस में बहुत सारे जीन्स अवेलेबल है ठीक है ठीक है, इसलिए इसको इकोनॉमिकल बोला जाता है, मतलब इट इज यूजिंग लेस स्पेस एंड इट इज प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ जीन्स और एक्सप्रेसिंग मोर अमाउंट ऑफ जीन्स ओके। इसमें अगर तुम लोग देखोगे खास जो है, देयर आर नो 5' to 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, सो आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा रहेगा एंड ट्रांसलेशन में देखा रहेगा कि अनट्रांसलेटेड रीजन रहते हैं, 5' लीडर सीक्वेंस, 3' ट्रेलर सीक्वेंस, तो इधर नहीं होता वो ठीक है। अभी इधर आप ये भी देखोगे देर आर नो इंट्रॉन्स, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूकेरियोट्स में इंट्रॉन्स रहते हैं
ठीक है, स्प्लाइसिंग होता है उनका। तो ये क्या कर रहा है, बचा रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी बचा रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स के बचा रहा है कि इधर इंट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, ईच स्ट्रैंड हैज ओनली सिंगल प्रोमोटर, सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस टू वेरी लार्ज आरएनए प्रीकर्सर्स। ठीक है, तो एक ही सिंगल प्रोमोटर, ई स्ट्रैंड में एक ही प्रोमोटर है, सो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो दो लार्ज आरएनए प्रीकर्सर्स बनते हैं, और उसके वो क्लीव होके इंडिविजुअल आरएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, मेनी ऑफ दिस जीन्स डेट इनकोड पॉलीपेप्टाइड्स इवन लाइक अ कंप्लीट टर्मिनेशन कोडोन। तो इनमें टर्मिनेशन कोडोन्स की भी काफी कमी रहती है, और ये खाली को एंड होते हैं यू तक। ठीक है, ये यू ए तक। तो इसमें क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन जब ऐड होता है तो यू ए ए ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली वो टर्मिनेशन का सिग्नल दे देगा। ठीक है, समझा कि ऊपर से गया। यस स्टूडेंट्स, ऊपर से जा रहा है, पता तो यस सर, एक समझा सर। समझा। एक मिनट क्या करता हूँ मैं, इधर आ जाता हूँ। तो क्या होता है इधर, क्या बोला कि इंट्रॉन्स नहीं रहता है, राइट, एंड बहुत सारी चीजें। फिर क्या बोला कि जो 3 प्राइम एंड में यू में एंड होता है, ठीक है, या यू ए में एंड होता है। तो जो पॉली एडिनाइलेशन जब होता है ना, प्रोसेसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आरएनए प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें एक ए ऐड हो जाता है, या पॉली ए ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कोड करता है, ऑब्वियसली टर्मिनेशन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो इधर ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, आपका ट्रांसलेशन इससे आगे नहीं जाएगा। ओके ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरी लिटिल रिपीटेटिव डीएनए। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन का अगर खुद का डीएनए देखा जाएगा तो उसमें काफी ज्यादा रिपीटेटिव डीएनए इन टर्म्स ऑफ टैंडम रिपीट्स VNTRSTRs में हो जाता है। ठीक है, ओके, बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए रहते हैं, RFLPs हो गए। ओके, तो ये सेम चीज आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं देखा गया। ठीक है, तो और इधर ये भी बताया कि जो एक रीजन है जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, जो कि नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स है, वो डी लूप में देखा गया। ठीक है, खाली डी लूप में देखा गया। ओके, यीस्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।